नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, आज हम देखने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की एक धमाकेदार स्कीम के बारे में, जिसके अंदर आप काफ़ी अच्छा रिटर्न ले सकते हो और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा। मतलब आपको पता ही है, नेशनलाइज बैंक जितने भी है उसमें फर्स्ट नंबर बैंक ऑफ बड़ौदा का है। काफ़ी अच्छी बैंक है और इसका जो म्यूचुअल फंड है वो भी काफ़ी अच्छा है। आज हम डिटेल में देखने वाले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा की ये स्कीम कौन सी है जिसके अंदर आप पैसा लगाओगे तो आपको FD से 2 से 3 गुना रिटर्न आराम से मिल सकता है, और इसके अंदर आप 50,000 रुपया लगाओगे तो उसका कैसे 40 लाख तक बन सकता है, ये आज की इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यारों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का नेशनलाइज में नंबर 1 बैंक है। काफ़ी अच्छा बैंक है, पूरे इंडिया में इसकी ब्रांच है, बहुत सारे लोगों का अकाउंट है। और हम बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा का म्यूचुअल फंड है वो बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर ये स्कीम का नाम है बड़ौदा BNB परिबास मिड कैप फंड। दोस्तों, एक मिड कैप फंड है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए ताकि आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिले। दोस्तों, एक म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड यानी कि रिस्क। दोस्तों, रिस्क है तो रिस्क है, आप जितना भी कमाते हो, मैं नहीं बोलता सब आप इसमें डाल दो म्यूचुअल फंड में, आप FD में डालिए, PPF में डालिए, और थोड़ा बहुत उसका परसेंटेज है जितना आप रिस्क ले सकते हो वो म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। अभी दोस्तों हम आगे बात करें तो इसके रिटर्न के बारे में। दोस्तों, इसका ऑल टाइम रिटर्न यानी कि जब से फंड आया है तब से इसने रिटर्न निकाल के दिया है 19.05, और लास्ट 5 साल की बात करें तो इसने रिटर्न निकाल के दिया है 17.96। और दोस्तों आगे बात करें तो तीन साल का इसका रिटर्न है 30.90। काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है, और लास्ट 1 ईयर की बात करें तो इसने 1 ईयर में 21.92 यानी कि 22% तक इसने रिटर्न निकाल के दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और दोस्तों हम आगे बात करें तो इसके अंदर मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों, मिनिमम आप 500 रुपये से अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो, हर महीने 500 रुपया कटेगा। और लमसम की बात करें तो आप 5,000 से डाल सकते हो। लमसम मतलब क्या, एक बार आपने पैसा डाल दिया फिर भूल जाने का, हर महीने नहीं डालने का, SIP में आपको हर महीने डालना पड़ता है। दोस्तों, अभी हम आगे बात करें तो इसकी फंड साइज यानी कि कितने लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाया हुआ है। इसके अंदर 1,350 करोड़ रुपया लोगों ने लगाया है, इतना सारा पैसा लोगों का लगा हुआ है। काफ़ी अच्छी ये स्कीम है। अभी हम आगे बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो मतलब क्या, एक्सपेंस रेशियो मतलब म्यूचुअल फंड हमारे पैसा लेता है फिर मार्केट में डालता है, वो मुफ्त में थोड़ी करेगा, आपके पास चार्ज लेगा, वो है 0.66 यानी कि 0.25 से भी कम है, इसलिए एक्सपेंस रेशियो भी अच्छा है। और एग्जिट क्लोज यानी कि आपको पैसे के बीच में ज़रूरत पड़ती है और आपको निकल जाना है, नहीं मुझे चालू नहीं रखना भाई, मेरा बंद करो म्यूचुअल फंड, तो आपको यहाँ पे 1% पेनल्टी पे करके आप एग्जिट कर सकते हो। अभी दोस्तों हम आगे बात करें तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का जो म्यूचुअल फंड है उसने आपके पास तो पैसा ले लिया, तो ये पैसा डालेगा कहाँ, ये पैसा डालता है, आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी होल्डिंग्स, इसने डाला है ट्रेंट लिमिटेड में 5%, इंडियन बैंक में 3% है, फिर द फेडरल बैंक में 2.80 है, TVS मोटर कंपनी में 2.75 है, द इंडियन होटल कंपनी में 2.53 है, फिर NTPC में 2.37 है, AIA इंजीनियर लिमिटेड में है 2.5%, भारत इलेक्ट्रिक में है 2.5%, फिर कॉटेज लिमिटेड में है 2.5-2%, कैनरा बैंक में से 2.25%। यानी कि सब जो है वो मिड कैप कंपनी है, अच्छी कंपनी है, मार्केटिंग में करंट चल रही है, ग्रो कर रही है, ये सब अच्छी कंपनी है, इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का म्यूचुअल फंड का पैसा जाता है। अभी दोस्तों हम आगे बात करें तो आप कितना रुपया डालोगे तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। हम मानो कि 50,000 डाला हमने तो कितना मिलेगा, यहाँ पे हम देखते हैं, अगर 50,000 रुपया आपने 10 साल तक लगाया तो आपको 10 साल बाद मिलेगा 2,84,700। लो 2 लाख में क्या, अभी सब्र करो, आगे रुको तो सही, अगर आप यही 50,000 15 साल तक लगाओगे तो आपको मिलेगा 6,80,000 रुपया। काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अभी वही 5 साल और कंटिन्यू यानी कि हम 20 साल रखते हैं 50,000 रुपया, तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 16,21,000 रुपया, जो कि काफ़ी एक अच्छा रिटर्न है। 20 साल बाद आप आराम से 16,21,000 ले सकते हो, खाली आज आपको 50,000 इन्वेस्ट करना है। अभी दोस्तों बात करें तो 25 साल के बाद आपको 50,000 का मिलेगा 38,70,000 रुपया, यानी कि काफ़ी अच्छा दोस्तों रिटर्न है, आप आराम से 25 साल बाद ये ले सकते हो। अभी और 5 साल चलाए, मानो कि आपने 30 साल तक चलाया है म्यूचुअल फंड,
50,000 आज की तारीख में डाल दिया और मैं रिटायरमेंट के टाइम में पैसा निकालूंगा तो वो मिलेगा आपको 92,34,000 यानी कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आजू बाजू। दोस्तों काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है, आप आज ही बैंक ऑफ बड़ौड़ा की वेबसाइट विजिट कीजिए या फिर बैंक ऑफ बड़ौड़ा ब्रांच में जाके भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है। दोस्तों म्यूचुअल फंड रिस्क है, आप सोच समझ के रिस्क लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।